सीजीएल का एग्ज़ाम देके निकल रहे हैं, एग्ज़ाम लेके आ रहे हैं क्या? जी सर। कैसा था कोर्चा? पेपर सही था। सही था। अच्छा कहाँ से हैं आप लोग? हैं हम लोग पलामू से, छतरपुर। अच्छा छतरपुर पलामू से। आने में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा पूरा नेट को बंद रखा गया है जी? जी पता नहीं है क्यों, क्योंकि पिछले बार हो गया था लिंक, इसलिए बंद लीक हो गया था पेपर लीक। मैंने इससे क्या लग रहा है सरकार को? लग रहा है कि इस बार सही से हुआ। अभी एग्जाम लिखना है? एग्जाम लिखने हैं। कहाँ पर एक सेंटर था? सेंटर यही है, ये विद्यालय में था। इस बार क्या चीज़ का था एग्जाम? सीजीएल। क्या क्वेश्चन कैसा रहा? ठीक रहा। निकल जाएगा सीजीएल? निकल जाएगा उम्मीद तो है। हाँ उम्मीद है। अच्छा पूरा झारखंड को बंद रखा गया है नेट और से कहा है? पेपर लीक, पेपर जो लीक का जो मामला था ना, मैंने नेट बंद करने से पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक नहीं होगा, बस उसे बंद, चोर को देखते हुए अगर ताला बंद कर देंगे पेटी में तो चोरी नहीं कर पाएगा वो? नहीं, जो प्रोसेस है सरकार तो उसे रहेगी वापस नहीं की ना। अच्छा अच्छा नेट बंद किया गया है, कितना आप लोगों का सुविधा हुआ? बहुत ज़्यादा। कहाँ से आप लोग हैं? हम पलामू से हैं। पलामू से हैं। अच्छा नज़दीके हैं। अगर लोग बाहर से आए उन लोगों के लिए कितना दिक्कत होगा? दिक्कत तो होगा। अच्छा नेट बंद है, मालूम है कि नहीं है? मालूम है। नेट बंद है, क्यों बंद है भाई? सुबह से बंद है, अभी तक चल रहा है। अभी तो सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम होगा? होगा। अभी शाम तक ही बंद रहेगा? कल भी बंद रहेगा? कल भी एग्जाम है ना? कल भी एग्जाम है, कल भी बंद रहेगा। क्या ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पिछले बार जो पेपर लीक हुआ था, इस बार किसी तरह का कोई नेटवर्किंग इसमें ना बन सके, इसलिए ऐसा। अच्छा ये बताइए, एक एग्ज़ाम को दिलाने के लिए सरकार अगर नेट बंद कर सकती है, इससे कितना प्रभावित होगा? बहुत चीज़, जैसे कि बहुत काम, चाहे जैसे कि कुछ कैंडिडेट है जिनका मतलब एग्ज़ाम देने नहीं पाए, उन लोगों का नेट नहीं रहने के कारण एडमिट नहीं निकालने पाया, उन एडमिट कार्ड भी नहीं निकला, नहीं निकल पाया, उन लोगों का एग्जाम भी छूट गया, एग्जाम भी बहुत सारे लोगों का छूटा। अच्छा जिस क्लासरूम में थे कोई ऐसा बच्चा है जिसका एग्जाम छूटा है? सर लोग आवाज़ दिए थे? नहीं ऐसा तो हम लोग चल गए थे पहले ही, तो हम तो पीछे नहीं देखने पाए कि छूटा है कि नहीं। मैंने अनाउंसमेंट नहीं किए जो वो बच्चा नहीं आया है या ऐसा? तो कोई अब्सेंट लोग रह रहा है, ऐसा नहीं है, अब्सेंट है ना? अब्सेंट रह रहा है, बहुत सारे लोग अब्सेंट है। हाँ चलिए साथ में इधर बच्चे लोग हैं। क्या चीज़ का एग्जाम था? क्या क्या था? हेलो क्या का एग्जाम था जी? झारखंड सीजीएल। झारखंड सीजीएल एग्जाम लिख दिए? कहाँ भागने लगे? क्या चीज़ का एग्जाम लिख के आए? हम एग्जाम लिखने नहीं गए तो बायोमेट्रिक्स का ऑपरेटर। अच्छा आप एग्जाम लिखे हैं? नहीं नहीं। अच्छा इधर सब आप लोग स्टाफ पे हैं? स्टाफ है। क्या चीज का भीड़ लगा है यहाँ? दुकान है, गैरेज है, हम लोग का दिन भर का धंधा बर्बाद हो गया। क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, इतना बड़ा स्कूल में नहीं जगह था लगाने के लिए, बाउंड्री में जगह काफी जगह, अंदर में नहीं हो सकता था, ये बार आदमी से बेगरिया चल रहा है, पूरा बिजनेस जो है प्रभावित हो गया। हाँ एकदम पूरा। अच्छा नेट वोट भी बंद है तो उसे क्या है दिक्कत? उसे नेट से भी दिक्कत है? दिक्कत तो है, खूब दिक्कत हो रहा है। आप लोग बिजनेस मैन हैं जी, नेट बंद होने से क्या? जो भूखे मर रहे हैं क्या खाने? मतलब नहीं, दुकान हम लोग के बंद हुआ है मोटरसाइकिल से, हम लोग के काम कैसे होगा ये पहले बतलाइए। क्या चीज का दुकान था? क्या हम लोग के गैरेज है, एक लाइन से है, हम लोग कहाँ दिन भर आज रहेंगे? ये मोटरसाइकिल खोल के खोलत रहते, कसत रहते, काम हो जाता है, कैसे खोलेंगे इसको? 30 रुपए देने में लोग हालत में चल रहा है, लोग खोलते हैं करते रहे, 30 रुपए देने में पसीना लोग ढील हो रहा है। चलिए झारखंड लेवल का एग्जाम था, एक दिन अगर भविष्य बनाने में, बच्चे लोगों का भविष्य बनाने में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो, हम लोग यहाँ मर जाए, हम लोग का पेट भी है, पेट के लिए सब कोई मरता है। अगर हम लोग का दुकान नहीं चल रहा था, हम लोग तो कल जाएंगे और सो जाएंगे, और सोने से तो बच्चा बीवी बच्चा ये सब का पेट भर जाएगा। तो जिस समय लगा रहे थे उस समय मना करते थे ना, हम लोग 6 बजे से, अरे दुकान खुलने से पहले से, दुकान खुलने से पहले ही सब हो गया। और आप लोग एग्जाम लिखने वाले हैं? एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा। पिछले बार जैसा फिर पता नहीं चला है जब लीक हो गया पेपर? अभी तो पता नहीं, और पता चल जाएगा तो पता नहीं चला, अब आगे क्या होगा? क्या जी अभी तो कोई सूचना ना है? अभी तो कोई सूचना नहीं है यहाँ तो, मतलब पूरा झारखंड में नेट बंद है का जी? आज सुबह से 6 बजे से काहे काहे हो यही एग्जाम के लेके? तो हमको लग रहा है झारखंड में इतिहास लिखा जाएगा, सबसे लंबा समय तक नेट बंद करने वाला कोई राज्य है तो झारखंड है, वो भी किस लिए? एक एग्जाम के लिए, और भी एग्जाम के पीछे रीजन ये है जब पेपर लीक ना हो, चोर के आगे अगर ताला बंद कर दीजिएगा तो चोरी वो नहीं चोर कर पाएगा, चोरी करेगा। पेपर जो लीक होता है नेट से ही होता है क्या? पेपर लीक क्या से होता है? नेट से होता है। क्या से होता है?
पदाधिकारी लोग ने लिख करवाते हैं, भ्रष्ट जो पदाधिकारी है छुपाने के लिए बंद करवाया गया, इसको बंद करने क्या जी? जी वो छुपाने के लिए किया गया है कि मान लीजिए अगर अफवाह बीच में फैले तो लोग नहीं जाने, इसलिए पहले ही बंद कर दिया। अभी हमारा अभी कहीं क्वेश्चन बीच में एग्जाम के दौरान अभी जो है पूरा देश हमारा डिजिटल इंडिया बन गया है, बन गया है। हम लोगों का आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं पेट्रोल ले रहे हैं तो नहीं ले पा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं तो नहीं, इलाज नहीं करा पा रहे, कितना दिक्कत हो रहा है। सुबह कितना दिक्कत, हम लोग एडमिट कार्ड नहीं निकलवा कर ला पाए थे, बहुत मुश्किल से एडमिट कार्ड निकलवाया क्योंकि नेट ही नहीं था, बहुत मुश्किल से। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी छूट गया होगा, छूटा है कुछ कुछ का छूटा। आप लोग कहाँ लोकल हैं कि कहीं अलग से हैं? नहीं हम लोग डालते हैं, डाल्टनगंज का, डाल्टन आप लोग सब डाल्टन पलामू का सब है। कोई बाहर का अगर रहेगा उन लोग लोकेशन कैसे ढूंढ पाएंगे? अभी सारे लोग जो है मैप पर, जब नेट ही फेल है तो लोकेशन कैसे ढूंढ पाएगा, तो लेकर एग्जाम पर नहीं पहुंच पाएगा, वंचित हो जाएगा एग्जाम से। ये सरकार का पहल कैसा? सरकार का ये विफलता का प्रतीक है, सरकार विफलता का प्रतीक है वो नहीं। आप लोग भी एग्जाम लिखने वाले हैं, सरकार का पहल कैसा है, बढ़िया है या खराब है? बढ़िया तो नहीं है, अच्छा ना है। मैंने एक सही काम करने के लिए कितना लोगों का प्रभावित डाल दिया है कि नहीं? सही बात, इसे कितना दिक्कत हो रहा है, बैंकिंग चौपट हो गया, इधर लोगों का आना जाना, अगर पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो कोई पेट्रोल नहीं दे रहा है जी, आप कैश दीजिए तब। ऐसा लग रहा है एक बार नोटबंदी हुआ था मालूम है, उसमें कितना दिक्कत हुआ था पैसा का, बहुत दिक्कत हुआ था। आपका सीजीएल एग्जाम के से पहले 90 लाख रुपया कैश बरामद, ब्रेकिंग सीजीएल परीक्षा से ठीक पहले होटल में 90 लाख कैश, ये है चोर का चाबी। और नेट बंद करने से साहब को लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए हम लोग का प्रयास रहा और शायद हमें जितना जहाँ तक पता है कि पूरे झारखंड में सीजीएल का एग्ज़ाम अलग अलग सेंटरों पर किया जा रहा है, और ये सीजीएल का एग्ज़ाम के वजह से पूरे झारखंड में नेट को बंद कर दिया गया। आपका अगर आप नेट चला रहे होंगे सुबह से ही तो आपको नेट नहीं चलेगा, अगर देख लिया जाए तो एक छोटा मोटा फोटो भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, पूरा शटर डाउन कर दिया गया है। इस उम्मीद से क्योंकि लगातार झारखंड में एग्ज़ाम का डेट निकलता है, छात्र लोग एग्ज़ाम भी लिखने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर वो जैसे तैसे अपना टाइम जो है वेस्ट करके एग्ज़ाम हॉल तक जाते हैं, एग्ज़ाम भी लिख लेते हैं। अब निकल के जैसे ही बाहर आते हैं तो पता चलता है कि हमारा इतना मेहनत जो है सब पानी में फिर गया, ये पेपर जो है लीक हो गया, जिसकी वजह से सरकार को जो है ये एग्ज़ाम का डेट और पेपर लीक होने की वजह से पूरा परीक्षा जो है कैंसिल होना। इसके लिए बचने के लिए झारखंड सरकार सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले जो है पूरा नेट का काम जितना भी नेट था वो बंद कर दिया गया, ताकि अगर कहीं पेपर लीक अगर होगा तो एक दूसरे पर लोग जो है शेयर नहीं करें। सरकार ये जो है अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन इसके वजह से कितने लोगों का परेशानी है। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो लोगों को लाइन लंबा एक लाइन लगा आपको मिलेगा, दुकान के पास जाएंगे तो पूरा दुकान आपको खाली मिलेगा, कस्टमर ही नहीं मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि आज के डेट में कैश ही नहीं है। अगर आपको नेट का बंद करना था तो कम से कम एक दिन दो दिन पहले इस डेट को जो है नेट बंद करेगा, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी पॉकेट में पैसा रख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको एडमिट कार्ड तक डाउनलोड नहीं हो पाया, उनकी काफ़ी परेशानी हुई, गूगल मैप के वजह से उनका जो है लोकेशन नहीं मिल पाया, लोग सेंटर तक नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाए, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, और ये सरकार ये चाहती है कि नेट बंद करने से हमारा वाहवाही हो जाएगा।